OB43 अपडेट आने में और 3 दिन बाकी है। OB43 अपडेट के अंदर आप लोगों को ढेर सारा न्यू चेंजेस देखने को मिलेगा। आज का वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसा कुछ चेंजेस बताने वाला हूँ जो आप लोग कभी भी नहीं देखे हो। एडवांस सर्वर के अंदर इसको डाला नहीं गया। केओस इवेंट के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है, इसके ऊपर बात करेंगे। आज का वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी मिस मत करना। बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फायदे के ऊपर बात करते हैं। अभी के टाइम आप लोग किसी थर्ड पार्टी टॉप अप शॉप से या गेम से टॉप अप करते हो, आप लोग को बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। इसलिए मैं लेके आया हूँ एक नया गेम शॉप, जो कि मेरा अपना गेम शॉप है। एकदम 100% जेन्युइन एंड सिक्योर गेम शॉप है। आप लोग गाइस प्राइस को कंपेयर करके देखो मैं कितना ज्यादा सस्ते में आप लोग को डायमंड सेल कर रहा हूँ। वीकली मंथली एंड जो टॉप अप है ये बहुत ही सस्ते में आप लोग को मिलने वाला है। सिर्फ डायमंड नहीं, फ्री फायर का प्रोफाइल लाइक भी आप लोग मेरे से ले पाओगे। 100% जेन्युइन है, आपका आईडी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप देख सकते हो, व्हाट्सएप के अंदर आ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस बात करते हैं गेम के अंदर आने वाला एकदम सा न्यू एक इवेंट के ऊपर। बहुत ही जल्दी गेम के अंदर एक न्यू लेजेंडरी बंडल रिटर्न पे आने वाला है। OB42 अपडेट गया, OB43 अपडेट आने वाला है। OB42 अपडेट के अंदर कोई भी लेजेंडरी बंडल रिटर्न पे नहीं आया है एंड OB43 अपडेट के अंदर कोई न्यू बंडल नहीं आने वाला है। सो गाइस आप लोग को एक न्यू लेजेंडरी बंडल रिटर्न पे देखने को मिलेगा। बंडल तो पुराना है, ऑलरेडी एक बार रिटर्न पे आ चुका है, अगेन गेम के अंदर रिलॉन्च होने वाला है। हाँ गाइस मैं बात कर रहा हूँ कोबरा बंडल के ऊपर। कोबरा बंडल गेम के अंदर रिटर्न पे आने वाला है। ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ही इसका ऑफिशियल बैनर निकाल के आया है। बट गाइस आज के ही दिन गेम के अंदर जो मोको स्टोर का इवेंट को डाला गया है, उसका सेकेंडरी प्राइस के अंदर अगर आप लोग को नजर डालोगे, मोस्ट ऑफ आइटम्स कोबरा थीम के ऊपर बेस्ड है एंड ग्रैंड प्राइस के अंदर कोबरा फिस्ट स्किन दिया जा रहा है। इससे गाइस एक ही चीज से पता चलता है, कोबरा थीम के ऊपर जितना भी आइटम से रिवॉर्ड है ये आप लोगों को इंडिया बांग्लादेश सर्वर के अंदर रिटर्न पे देखने को मिलेगा। देखो गाइस अपडेट आने में 3 दिन बाकी है, तो 3 दिन के अंदर तो कोबरा बंडल रिटर्न पे नहीं आएगा। OB43 अपडेट के अंदर कोई न्यू लेजेंडरी बंडल नहीं आने वाला है। सो गाइस आने वाला 2 महीने के अंदर आप लोगों को कोबरा बंडल इंडिया बांग्लादेश दोनों सर्वर के अंदर रिटर्न पे देखने को मिलेगा। फ्री इवेंट के ऊपर बात करते है, बहुत ही जल्दी गेम के अंदर केओस इवेंट शुरू होने वाला है। केओस इवेंट स्पेशल गाइस आप लोगों को ढेर सारा रिवॉर्ड्स फ्री में मिलने वाला है। पेज अपडेट आ रहा है 24th जनवरी, मतलब 3 दिन बाद, एंड ये इवेंट शुरू होगा 25th जनवरी से। इवेंट का इंटरफेस ऑलरेडी कल के ही दिन दिखा दिया था एंड अगेन आप लोग देख सकते हो इंटरफेस कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। फर्स्ट ऑल तो आप लोग को लॉग इन रिवॉर्ड देखने को मिलेगा। शायद गाइस ये इमोट आप लोग को लॉग इन रिवॉर्ड के अंदर दे सकता है, बट अभी के टाइम कन्फर्म नहीं हुआ है। फिर आ रहा है मेल बंडल एंड ये मेल बंडल आप लोग को एक फेवरेट हुई लिया गाइस रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। इसलिए गाइस ये बंडल को डेडिकेट करके अलग आइकॉन के अंदर डाला गया है एंड इसी थीम के ऊपर आप लोगों को एक लेजेंडरी बाइजन का स्किन देखने को मिलेगा, जिसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ओपी निकल के आ रहा है। एंड आप लोगों को बता दूं इसी थीम के ऊपर और भी गन स्किन आने वाला है। लाइक गाइस एक थीम M14 का स्किन दिया जाएगा, एक थीम AC80 का स्किन दिया जाएगा। गुलवाल का स्किन तो काफी ज्यादा ओपी है एंड इमोट्स वगैरह सारा चीज का रिव्यू में आफ्टर अपडेट आप लोगों को दे दूंगा। ये जो सारे के सारे रिवॉर्ड्स हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ आइटम्स आप लोगों को फ्री में देखने को मिलेगा। बाकी गाइस फ्री रिवॉर्ड्स है कैसे मिलने वाला है वो तो बता दिया। ग्रैंड प्राइस के ऊपर बात करते हैं, ग्रैंड प्राइस का रूप में आप लोगों को ये फीमेल बंडल दिया जाएगा जो काफी ओपी लग रहा है। OB43 अपडेट के ऊपर बात करते है, OB43 अपडेट का पैच नोट से निकाल के आ चुका है। ये पैच नोट्स के अंदर काफी ओपी ओपी चीजें मेंशन है जो एडवांस सर्वर के अंदर डाला नहीं गया है, बट लाइव सर्वर के अंदर आने वाला है जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी के टाइम गाइस अगर आपका टीममेट या गिल्डमेट आपको मैसेज करता है, अगर आप लोग ऑफलाइन होते हो वो मैसेज आप लोग का सीन नहीं कर पाते हो। आफ्टर अपडेट गाइस अगर आपका टीममेट या गिल्डमेट आपको मैसेज करता है, सो गाइस आप लोगों को वो मैसेज सेव होते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप लोग ऑफलाइन रहते हो फिर भी गेम के अंदर वो मैसेज सेव रहेगा। जब आप लोग ऑनलाइन जाओगे आप लोग गाइस वो मैसेज को सीन कर पाओगे। कस्टम HUID के अंदर
भी एक बहुत बड़ा चेंजेस निकाल के आ रहा है। अभी के टाइम कुछ कुछ प्लेस के अंदर कस्टम HUID को आप लोग का सेट नहीं कर पाते हो। आफ्टर अपडेट गाइस आप लोग को एक कस्टम HUID को सेट कर पाओगे। एक बहुत OP चीज आ रहा है जो स्पेशली मेरे लिए तो यूजफुल होने वाला है। गेम के अंदर आने वाला है काउंटडाउन सिस्टम। एक काउंटडाउन सिस्टम किया है, मैं आप लोग को इजीली समझा देता हूँ। सोचो कि गाइस और 20 दिन बाद एक न्यू गोल्ड रॉयल आने वाला है। आप लोग को बार बार गोल्ड रॉयल ओपन करके देखना पड़ता है कि कब ये चेंज होने वाला है, या गाइस जब कोई रैंक सीजन आता है या आने वाला होता है आप लोग को उसके अंदर एंटर करके देखना पड़ता है। अगर आप लोग गाइस इसी आइकॉन के अंदर जाते हो एंड आपका पसंदीदा कोई भी चीज अगर आप लोग को डेट उसके अंदर सेट करके रखते हो, आप लोग गेम के अंदर से ही लाइफ काउंटडाउन देख पाओगे। सोचो कि गाइस OB43 अपडेट आ चुका है, 2 महीने बाद OB44 अपडेट आने वाला है। मुझे बार बार गोल्ड रॉयल देखना पड़ेगा या क्लैशकॉट का डेट देखना पड़ेगा, फिर गाइस हम लोग को कैलेंडर ओपन करके डेट को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना दिन बाकी है। बट गाइस आफ्टर अपडेट ये फीचर आने वाला है कि आप लोग को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कितना दिन बाद ये OB अपडेट आने वाला है। ये सारे चेंजेस आफ्टर OB43 अपडेट गेम के अंदर आने वाला है। बाकी जो चेंजेस वगैरह है वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना के दिखा दिया हूँ एंड वो बाकी कुछ चीजें है जो उतना सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओवरऑल गाइस जो OB43 अपडेट आने वाला है ये मुझे बेकार लगा है। 10 में से मैं इसे 4 से 5 ही रेटिंग दूंगा, क्योंकि गाइस गेम प्ले के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है केओस इवेंट के ऊपर। केओस इवेंट का जो आइटम से रिवॉर्ड है इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस किया गया है एंड गेम रिलेटेड गाइस ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया है एंड केओस इवेंट के ऊपर फोकस करके गेम का मेटा को चेंज किया गया है। इसलिए गाइस मैं 10 में से 4 से 5 रेटिंग देने वाला हूँ। आई होप कि OB44 अपडेट काफी ज्यादा बेस्ट होने वाला है। आज का वीडियो के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन है। आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के अंदर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपके साथ एक और फेस न्यू वीडियो में।